हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए गाजर का हलवा लेके आई हूँ, जिसको आज मैं 1 किलो गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो पहले गाजर को क्या कीजिए, छील के रफली ऐसे ही चॉप कर लीजिए। उसके बाद एक कुकर में 2 चम्मच घी डाल दीजिए। उसके बाद जो आपने गाजर चॉप करके रखा है वो डाल दीजिए। उसके बाद जब वो 3 से 4 मिनट उसको भून लीजिएगा, भूनने के बाद में 250 ग्राम दूध डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें 2 से 3 चम्मच ये नॉर्मल दूध का जो मलाई होता है वही आपको डालना है। उसके बाद डालने के बाद अच्छे से चलाने के बाद उसको ढक दीजिएगा। फिर उसमें क्या कीजिएगा कि कुकर में 3 से 4 सीटी आने दीजिएगा। जब 3 से 4 सीटी हो जाए तो उसके बाद कुकर का गैस निकाल के, गैस निकालने के बाद में जो अगर वो पूरा सूख गया अच्छे से तब तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पानी रह रहा है तो गैस निकाल के उसका पूरा थोड़ा पानी सुखा लीजिएगा। इसी समय आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा। उसके बाद में जब ये थोड़ा सा सूख जाए, सूखने के बाद में चीनी डालिएगा। चीनी डालने के बाद जब थोड़ा चीनी डाल के भी ये सारा सूख जाए, जो चीनी पानी छोड़ेगा पूरा जब सूख जाएगा, तो लास्ट में बस आप क्या कीजिएगा, 2 चम्मच देसी घी डाल के, डालने के बाद में अच्छे से भून लीजिएगा 3 से 4 मिनट। बस हो गया तैयार आपका गाजर का हलवा। अगर आप लोग इस तरह गाजर का हलवा बनाएंगे तो ना घिसने का झंझट और ना ही आपको टाइम लगेगा। ऐसे घिस के फिर आप लोग कढ़ाई में बनाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, गैस भी वेस्ट होता है, और ऐसे कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो आज की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर कुछ और भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। ओके दोस्तों।